आज की जो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मॉम्स फ्रेंड। 2015 में आई ये सबसे गंदी कोरियन मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कोरियन लड़का देखने को मिलता है। वो और उसकी मॉम के पास करंटली रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो उसकी मॉम काम करने चली जाती है उसको अपने फ्रेंड के घर पर रखकर। लेकिन वो लड़का इतना थड़की होता है, अपनी माँ के फ्रेंड के साथ ही संबंध बनाने की कोशिश करता है। फिर ये कोरियन लड़का स्कूल जाता है, स्कूल में इसको एक फ्रेंड मिलता है। वो फ्रेंड इसको बताता है कि तुम कहाँ रह रहे हो, तो ये बोलता है कि मैं अपनी आंटी के घर रह रहा हूँ। इसका फ्रेंड बोलता है तुम्हारे पास मौका है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। फिर वो लड़का घर जाता है। अब हमें रात का सीन देखने को मिलता है जिसमें वो लड़का आंटी के घर में झांक रहा होता है क्योंकि वहाँ से कुछ आवाज आ रही होती है। फिर उसी रात ये कोरियन लड़का मास्टरबेशन करने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंटी मॉल आई हुई होती है और उसका पीछा करते हुए वो लड़का भी पहुंच जाता है। आंटी ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, वहीं पर वो लड़का आगे झांकने लग जाता है। तभी आंटी बाहर आती है और उसे पता चल जाता है कि वो लड़का उसका पीछा कर रहा है। फिर उसी रात वो लड़का फिर से मास्टरबेशन करने लग जाता है। वहीं पर वो आंटी आ जाती है और वो देख लेती है उसको मास्टरबेशन करते हुए। तभी आंटी सोचती है कि ये मास्टरबेशन से सेटिस्फाई नहीं होगा, इसको मैं सेटिस्फाई करती हूँ। तभी हम यहाँ सीन में देख रहे होते हैं कि आंटी और उस लड़के को प्यार हो जाता है। वो लड़का कुछ देर के लिए बाहर जाता है आंटी के लिए गिफ्ट लेने के लिए। तभी वो आंटी किसी और के साथ अपने रूम में सेटिस्फाई हो रही होती है। वो लड़का ये सब देख लेता है और वो अपना सामान पैक करके जाने की कोशिश करता है। तभी आंटी उसे बोलती है कि तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वहीं पर वो लड़का स्कूल में अपने एक फ्रेंड बनाया होता है, उसी के साथ वो रिलेशन आगे बढ़ाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर आज की आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में हमारे और वीडियो का लिंक है जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।